हेलो भाई, मैं उम्मीदवार। आज हमारे पास एक ऐसी कार है जिसको यहाँ पे लेके आना तो 100% बनता था। अभी वो आपको मैं दिखाता हूँ। वो है फोर्ड की एंडेवर। ये एकदम यूनिक अलग तरीके की एंडेवर है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जब आप इसको रोड पे देखते हैं ना भाई, ये बहुत हाई लेवल कार दिखती है, मतलब ब्लैक कलर में। रियलिटी में दूर से जब देखते हैं मेनली, मतलब मैं आपको मेनली जो मैं जहाँ अट्रैक्ट हो रहा है उस पॉइंट को दिखाता हूँ। ये भाई साइड से इतनी मस्त लगती है। अभी ओनर से हम बात करेंगे। ये मतलब फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक है इसकी साइड से अगर आप बात करते हो तो। पीछे से तो चलो ठीक है, मतलब फॉर्च्यूनर ही कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी प्रेफरेंस रहती है, लेकिन साइड में तो भाई फॉर्च्यूनर से भी तगड़ी लुक इसकी निकल के आती है। स्पेशली ब्लैक कलर में है ये। 18 इंच इसके अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं और एकदम थोड़ी भाई ने ना अपना मनपसंद अकॉर्डिंग अपना एक ऐसा मॉडिफाई करवा रखी है। लाइट वाइट इसमें मस्त बनवा रखी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी जला के। मिलिए आप मिस्टर जाकर भाई से। कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई। पर सबसे पहले तो एकदम गाड़ी मस्त बना रखी है आपने, मेरे को ये कहना था। जी भाई, बस इस पे मेहनत करी है थोड़ी। ये किट विट का ना, पहले ये नॉर्मल थी गाड़ी। हाँ। तो मुझे ये था कि गाड़ी जब रोड पे चले तो कुछ यूनिक लगे और कुछ अलग लगे। किट तो सबने लगवाई है। हाँ। बट ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके और मैंने टेल लाइट साथ में जोड़ी और स्पॉइलर लगाया है। हाँ। और साथ में जो ये ग्रिल है ना। हाँ। इसमें मैंने फोर्ड का ओरिजिनल लोगो लगाया तो इसका एक अलग लुक आ रहा है। ओरिजिनल लोगो, ओरिजिनल फोर्ड का जो लोगो आता है ना। इसमें क्या लोगो आता है फिर? ग्रिल का जो लोगो आता है ना। हाँ। जो फोर्ड का आता है। हाँ। ये ग्रिल पहली बात तो मार्केट में बहुत कम मिल रही है। मिल रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लोगो नहीं लगा रहे। इस लोगो को मैंने ओरिजिनल जो ग्रिल थी इसकी कंपनी से आई थी। हाँ। उसको उतार के और फिर मैंने इसके ऊपर लगाया है तो ये अच्छा है। उभर के इसका लुक आया था ग्रिल का ना। ओ भाई, ब्लैक कलर में मतलब कितने की पड़ी थी पहले आप मेरे को ये बात बताओ। ये मेरे को भाई 37 लाख की पड़ी थी। मैंने 2020 मॉडल लिया था। 3.2 नहीं होगी ये तो 2.2। ये 2 लीटर है। 2 लीटर है ये 2 लीटर। बहुत क्वेश्चन है जो आज भाई से हम दिल की बात करने वाले हैं फोर्ड एंडेवर ओनर से। यार ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ऊंची है यार इसकी। ऊंची है। किट के बाद मैंने सोचा था नीचे होएगी बट ग्राउंड क्लीयरेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4x4 है ये। 4x4 है, टॉप मॉडल टाइटेनियम है। अच्छा, इसमें देखो भाई ये वाली किट की कह रहे हो ना आप, ये जो अलग से लगवाई। ये तो बम्पर ही है। हाँ। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना ये बम्पर के ऊपर अटैच है। अच्छा, ये यहाँ बिडिंग लाइट जलाओगे क्या आपने? यहाँ पे भी लाइट लगा रखी है, यहाँ पे भी लाइट लगा रखी है। ये फोर्ड एंडेवर भाई मतलब वन ऑफ द बेस्ट कार समझ जाती थी इंडिया में। थी का रीजन आप सभी को पता है क्यों? अच्छा, ये थोड़ी अलग टाइप की पीली क्यों, ये एलईडी क्यों नहीं? ये मैंने पहली बात तो मैंने ये वाइट में ही सोची थी कि वाइट ही करूंगा। बट जब ये जली और जो कॉम्बिनेशन लुक का आया ना, मुझे ये पसंद आया अलग से। हाँ। तो मैंने फिर मैं कहा चलो अब इनको ऐसे ही रहने दे, जब कभी मन करेगा तो मैं फिर इनको ना वाइट करा लूंगा, ये चेंज हो जाती है, ऐसी कोई इशू नहीं। अच्छा एक बात बताऊं भाई, ये फ्रंट से ना अपनी जो एंडेवर है ये फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा बल्कि ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा एग्रेसिव नजर आती है। बिल्कुल एग्रेसिव नजर आती है जी। लेजेंडर से थोड़ा देखेंगे तो वो थोड़ी फिर भी अच्छी लगती है। लेजेंड मतलब दूसरी वाली जो है उससे तो बहुत ज्यादा हाई लेवल लगती है। फॉर्च्यूनर भी है ऑलरेडी और एक ये है तो फिर उससे ज्यादा अच्छी हमें ये लगती है। रियलिटी में भाई मस्त, मतलब ब्लैक कलर में मैं आज इसको देख रहा हूँ ना तो बहुत गजब लगती है। और जबकि ये गंदी हो रखी है फिलहाल तो रोड से आके आपको पता ही भाई कैसे मस्त लगे आपको रोड। रोड तो बहुत अच्छे लगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर कंपनी से आते हैं फॉर्च्यूनर ने तो आज अब दिए हैं 2021 में, पहले से ही आ रहे हैं इसमें। 2020 वाला भाई का वेरियंट है भाई। लाइट कैसी थी फॉर्च्यूनर की टक्कर की है? क्योंकि फॉर्च्यूनर की लाइट आपको पता है वो भाई भी क्या तगड़ी लाइट आती है। देखो लेजेंडर से मैंने अभी देखा नहीं है कि लेजेंडर का कितना आउटपुट है, बट ये काम कर देती है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कम बीम है या फिर किसी गाड़ी से कम टक्कर है। अच्छा। कंपनी मेड लाइट है और बहुत बढ़िया है। अब किसी को चाहिए ज्यादा तो लगवा दो भाई। भाई ये और बताओ ये क्या रहता है, मैं बहुत गाड़ियों में देखता हूँ ये क्या रहता है इसका? ये देखो भाई, इसको मैंने फ्लैग रॉड लगाया, ये एज अ स्टाइल स्टेटमेंट लगाया है। हाँ। वैसे इसके अंदर इंडिया का झंडा है बट अपने देश की इज्जत करते हुए मैं इसे कवर्ड रखता हूँ। जब कभी हमारा 15 अगस्त आता है तो निकालता हूँ और अकॉर्डिंग टू द रूल्स मैं इसे निकालता हूँ और मैं ढक देता हूँ। अरे बहुत बढ़िया भाई। अब पीछे की तरफ चलते हैं भाई, मतलब भाई ने ना सिर्फ आगे आगे नहीं, पीछे ऑलरेडी एंडेवर की लाइट इतनी मस्त आती है लेकिन आपने और मस्त बनवा दी यार। हाँ, पीछे से और मस्त लगते। भाई का भी यूट्यूब चैनल है तो इन्होंने अपना लोगो वगैरह इस पे छाप रखा है, आप जाके देख सकते हैं। फोर व्हील ड्राइव है मेन चीज ये। लाइट पीछे की ओर जला दो एक बार। मैं पीछे की लाइट और जलाता हूं। देखना भाई यार यहाँ पे ऊंची इतनी है कार, आप इसको कहीं भी ले जाओ, फोर व्हील ड्राइव है, चारों पहियों में जान है। मस्ती तो आफ्टर मार्केट वाली होंगी लेकिन। जी जी, आफ्टर मार्केट वाली है बट एलईडी होती है, खराब होगी तो 2-3 दिन में होगी, नहीं तो फिर सालों साल चलती है, कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। तो रार में एकदम यूनिक लुक निकल के आते होगी ना इनमें क्या था एक्चुअली, स्टार्टिंग में ना मैं ब्लैक ला रहा था, ये स्मोक फिलामेंट में आती है। हाँ। बट वो स्मोक वाला फिर ना ऐसे लगता है दिन में आप देखोगे कि लाइट है ही नहीं गाड़ी के अंदर, इसलिए मैंने फिर ये
रेड वाली ली और ये ज्यादा उभर के आई। एक तो पहले आप 36 लाख रुपए इस पे स्पेंड कर चुके हो, ऊपर से और कितना आपने लगा दिया इस पे? मैंने देखो इंटीरियर में एम्बियंट लाइट और ये सब लगा लोगे, मैंने इस पे 90,000 रुपए खर्च दिए और अभी आगे 10-15,000 रुपए और प्लान करे। यही है भाई, मतलब ऊपर बढ़ते ही रहते हैं मॉडिफिकेशन। ये लोग भी इंडेवर फॉर्च्यून वाले भी करवाते हैं, बाकी इसमें आता है अपना दबा दो ऊपर अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिकली चला जाता है। इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन के सामान रखा लगता है। ये मेरी ओरिजिनल लाइटें रखी हैं और एक डिग्गी लाइट थी जो पहले लगा रखी थी मैंने। हाँ। क्योंकि इसमें आती नहीं है, वो पहले लगा रखी थी सेट को कम्प्लीट करने के लिए। यार एक तो चीज होती है भाई कि अपना उससे आ रही है कंपनी से लाइट, ये आपने आउट ऑफ मार्केट लगवा लिया, 36 लाख की गाड़ी में भी ये लुक काफी लुक के लिए बस है ना। इसमें भाई एंडेवर में उससे भी ज्यादा फीचर आया करते थे भाई। LR का क्या है ये? इलेक्ट्रिक। अच्छा, इनको आप बटन से कर सकते थे? बटन से ये ऊपर नीचे आ जाती है। अच्छा, टॉप ब्रांड में फीचर्स तो काफी देते थे, बाकी इसको यहाँ पे दबाएंगे तो ये अपने आप नीचे भी हो जाती है। टाइटेनियम वेरिएंट इसका। यार इंटीरियर तो मतलब इसका रियलिटी में ना उससे भी ज्यादा प्रीमियम है फॉर्च्यूनर से एनी टाइम। उससे तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसको पसंद करता हूँ गाड़ी को, बिकॉज इंटीरियर में जो फील आती है ना वो फॉर्च्यूनर में नहीं आएगी। और बाहर की नॉइज भी फॉर्च्यूनर में आती है, आपको पता होगा। हाँ। इसमें नहीं आती, नॉइज कैंसलेशन बहुत अच्छी है इसमें। और मेन चीज ये तो है ही नहीं। हाँ, दूर दूर तक ये तो फॉर्च्यूनर दे दे जिस दिन उस दिन, तो उनकी सेल ही अच्छी हो जाए। आज भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहता है। जी जी, ये कंपनी से आती है। ये एम्बिएंट लाइट मैंने फिटिंग करवाई थी गुड़गांव में, मेरा अपना ही जानकार है। तो मेरा क्या मानना है कि ना मिस्त्री के साथ खड़े हो काम करवाना, फिनिशिंग हर कोई नहीं दे पाता है, तो मेरे को साथ खड़े होकर मैंने ये काम करवाया था। एम्बिएंट लाइट है, 64 कलर है। हाँ। जैसे अपनी एस क्लास में आती है। यार ये तो आती है एंडेवर में तो एम्बिएंट लाइट? एंडेवर में आपको एम्बिएंट लाइट एक तो यहाँ नीचे मिलेगी। हाँ। एक पैरों में मिलेगी। हाँ। और सिर्फ फ्रंट के डोर हैंडल्स में यहाँ पे मिलेगी, और ओनली 4 या 5 कलर्स का ऑप्शन है। यार ये बताओ आप, मतलब आप तो मार्केट क्यों ही चढ़वा रहे हो? अच्छा फॉर्च्यूनर क्यों नहीं लिया आप, मेरे को ये बात बताओ भाई। फॉर्च्यूनर लेना क्या, मेरे फादर साहब यूज कर रहे हैं फॉर्च्यूनर, तो उनने भी जब ली थी, जब मैंने कहा था कि आप एंडेवर ले लो, जस्ट बिकॉज सॉफ्ट सस्पेंशन, अंदर की राइड क्वालिटी और जो कंफर्ट लेवल है। मैं आज भी फॉर्च्यूनर चलाता हूँ भाई, मेरे कमर में दर्द हो जाता है, अगर अच्छा खासा खाना खा रखा तो गैस भी बन जाती है मेरे पास। अच्छा, दोनों आपके पास एंडेवर फॉर्च्यूनर? हाँ, मेरे फादर साहब फॉर्च्यूनर चलाते हैं, तो ये मेरे को क्या काम धंधा है भाई, ऐसा दो दो मस्त 80 लाख की गाड़ियां हैं। जी हाँ भाई, बस सही है भाई, और तरक्की करो। और मस्टैंग कब लेके आ रहे हो? मस्टैंग तो जब भी खरीद ही सकते हैं। मस्टैंग का जी देखो, अब ये फोर्ड इंडिया छोड़ गई, अब देखो नहीं, वो तो मिल जाएगी, वो तो मिल तो रही है। बट क्या है ना, हमारे घर में थोड़ा ये है कि नीचे गाड़ी नहीं रखनी, क्योंकि रोड ऐसे है अपना, तो वो चलती नहीं है। ये तो है, ये तो है। बस प्लान मैंने आने वाले 3 साल में ना जी वैगन कर रखी है। अरे वो लेके आनी है आने वाले 3 साल। बहुत तगड़ी छलांग मारोगे डायरेक्ट। अच्छा इंटीरियर से भी बता रहे थे, आपने इंटीरियर से क्या करवा रखा है? इंटीरियर मैं देखो आपको बताना चाहूंगा, मेरी जितनी भी आप ये एक्सेसरी लाइट देख रहे होंगे, सब कुछ कपलर टू कपलर फिट है। और अगर जिसमें कपलर नहीं है ना, तो उसमें सिर्फ पील करवाया, मैंने स्पेशली कट नहीं लगने दिया है। अच्छा। क्या तो मेरा फ्यूज बॉक्स से कनेक्शन है या फिर डायरेक्ट बैटरी से। तो ये इंटीरियर में सिर्फ और सिर्फ एक ये मेरी एम्बिएंट लाइट है जो कि मैंने फिट करवाई है, और ये 64 कलर है, ऐप से कंट्रोल हो जाती है, और उसका स्विच भी है। और बस एक ये कुशन लगा रखे मैंने, काफी ऑटो फोम के कंफर्ट लगते हैं। बाकी आपको पता है भाई, एक और चीज मैं बताऊं आप कार में मस्त महकाने के लिए, वो है इन्वॉल्व वन का ये मोहितो लेमन परफ्यूम, बहुत मस्त है भाई। भाई फोर्ड एंडेवर जैसी गाड़ी के लिए तगड़ा सा परफ्यूम तो चाहिए था, तो मैंने ये इन्वॉल्व वन का भाई को गिफ्ट कराया है। मस्त मोहितो लेमन जैसी मस्त फ्रेग्रेंस है, बीच में बैठ के एक फ्रेश ड्रिंक पी रहे हो ना, ऐसे फ्रेग्रेंस आ रही होती है। That's why I recommend Involve One Mojito Lemon to my friends और भाई को मैंने करा। कैसी लगी भाई परफ्यूम? बहुत बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, तो बिल्कुल एक रिफ्रेशिंग और लेमन वाला फ्लेवर है जो कि हम ढूंढते आए, आज तक मिला नहीं इन फ्लेवरों में। प्रीमियम पैकेजिंग है भाई, 3M की टेप से भी रख सकते हो, और SUV जैसी ये एंडेवर टाइप SUV के लिए भी मस्त अपना कप होल्डर में रख दो भाई इसको, और मस्त अपना रहता है। काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया। बाकी राहुल भाई मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यार, एवरेज तो 6.6, बड़ा दिक्कत वाली बात है ये तो। भाई देखो आपको मैं बताऊँ, अभी 6.6 है, नॉर्मली मेरे को ये सिटी में 8.5 देती है, क्योंकि अभी मैं हाईवे से लेके आया था, मेरी बैटरी थोड़ी ड्रेन होगी तो चार्ज करने के चक्कर में थोड़ी स्पोर्ट्स मोड पे चलाई थी, तो ये 6.6 है। नॉर्मली मेरे को ये एक टंकी में सिटी में चलती है 550-600 किलोमीटर चलती है बस। और एक टंकी कितने फुल होती है? अब तो 7200 रुपए की हो गई। नहीं दे रही, नहीं देती है तो कुछ भी एवरेज नहीं देती। 3.2 की और कम है इससे, जबकि 2 लीटर का तो बताते हैं पावर ही नहीं है, 2000 cc का इंजन है खुली, जो भी इतनी कम माइलेज। माइलेज तो कम है, माइलेज में आप कंप्लेन कर सकते हो फोर्ड को बिल्कुल। हाँ, बट 3.2 से कंपेयर करो तो ज्यादा है माइलेज। ऑटोमेटिक भी तो, ऑटोमेटिक तो है, सही है सही है। और आप क्या बता रहे, स्पोर्ट्स मोड में जल्दी बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसा क्या सीन है? एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरे को चार्ज करनी थी, तो चार्जिंग के लिए क्या कहते हैं कि 80 की स्पीड से ज्यादा आप इसको कॉन्स्टेंटली चलाओ,
तो फिर मैंने की चलो स्पोर्ट्स पे चला लेते, कभी चलती नहीं है क्योंकि मैं देखो 40 से 50 पे चलाने वाला आदमी हूँ, तो कभी देखा मैं कहा ये यूज भी हो जाएगा हाँ। तो इसको मैंने स्पोर्ट्स मोड पे चलाई थी, अभी रास्ते पे हाईवे से जैसे हम आ रहे थे भाई, तो चार्ज को कौन 40 50 पे चलाता है मेरे को तो मैं लेके आया था जस्ट, तभी मेरे को फोर्ड वालों ने बुला लिया था क्योंकि इसमें साइन आ गया था इंजन का अच्छा लेके आने के लाइक 1000 किलोमीटर में। तो मैं उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा सर आप कैसे चलाते हो, मैंने कि भाई मेरे पास थार थी तो थार से मैं इसे 40-50 चलाता हूँ। कहता सर इसे आप चला लो गाड़ी को क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बिल्कुल धीरे चलाओगे तो ये साइन दिखाएगी ऐसे। 25-382 चलाई आपने? हाँ जी 25 चला दीजिए। और बताओ भाई एंडेवर के बारे में, देखो अच्छाइयां तो बहुत हो गई, अभी आप बुराइयां बताओ क्या है मेन। बुराइयों में तो जैसे मैं आपको एक सबसे वही आप वाली बात है, मैंने 7200 में टंकी फुल कराई है और चलेगी मेरी 550-600 किलोमीटर बुराई के नाम पे देख ली है। अरे माइलेज हो गया और भाई माइलेज हो गया, और आप थोड़ा फोर्ड को ये कंप्लेंट कर सकते हो कि आप फोर्ड छोड़ के चली गई, तो ये थोड़ा स्ट्रेस है। इस क्वेश्चन पे तो मैं आने वाला था। हाँ जी हाँ जी। अभी देखो एक साल ही हुआ है आप फोर्ड लिए है ना? हाँ जी हाँ जी एक साल हुआ। जब आपने सुना गई तो क्या फीलिंग रही, क्योंकि अभी तो कह रहे हैं कि सर्विस मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी। आने वाले टाइम देखो काफी लोगों में बात ये है ये कि ना आपकी फोर्ड की जो कंपनी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 6-6 महीने में पार्ट्स आएंगे और काफी कुछ इशू होगा, पर देखो मैं गाड़ी से सेटिस्फाइड हूँ और गाड़ी जो है बहुत बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि देखो लिया है अब वो तो छोड़ के चलेगी, पर ये है कि अभी से हम मेंटेन करके रखेंगे, मेरा कोई डिसीजन नहीं इसे बेचने का, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया चल रही है, कोई कंप्लेंट नहीं है। अरे भाई जब ये छोड़ के गई थी लोगों ने कहा कि अब तो बहुत सस्ती मिलेगी, 25-25-30-30 लाख की मिलेगी। जी 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 भाई उल्टा ये हो रहा है कि उल्टी महंगी बेच रहे हैं, 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि थोड़ी ही बच रही है। काफी मेरे जानने वाले हैं जो लेना चाह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि यार सस्ती मिल जाएगी सस्ती मिल जाएगी, तो वो बात ही चल रही है कि आपको सस्ती मिल जाएगी, लेकिन जाओगे ना तो महंगी दे रहे हैं आपको, उल्टी महंगा दे रहे हैं, 2-2.5-3 लाख रुपए ऊपर ही दे रहे हैं। क्योंकि अब भी देखोगे ना आप फॉर्च्यूनर की मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी, वो देना चाहे ना तो भी आपको सनरूफ देगी ही नहीं, क्योंकि पता है कि लोगों को लेनी पड़ेगी उस सेगमेंट में, वही है। बाकी भाई ब्लैक कलर में ले तो लिया आपने एंडेवर, मस्त भी लगता है, मेंटेनेंस कैसे करते हो आप इसकी? मैंने देखो लेते के साथ मेरा प्लान था पीपीएफ चढ़वाने का, बट पीपीएफ क्या है बजट से भारी चलेगी क्योंकि जस्ट ली 37 लाख रुपए खर्चे और फिर 2.5 लाख रुपए की पीपीएफ। 2.5 लाख की होती है जी, जो आप बेटर को बेस्ट क्वालिटी जो है ना हाउस ऑफ पॉलिश गुड़गांव में है, जहाँ से मैंने ये इसकी सेरेमिक करवाई है, तो 56,000 की मैंने सेरेमिक कराई है 3 साल के लिए, हर 6 महीने में मेंटेनेंस होती है, तो उसमें क्या है मेरी ये शाइन बहुत अच्छी आती है, माइक्रोफाइबर कपड़े से लड़के को मैं सुबह साफ कराता हूँ, एक बार ये साफ हुई नहीं और आप कहोगे नई गाड़ी है, अभी तो थोड़ी गंदी है फिलहाल। तो सर्विस कितने की होती है भाई एंडेवर की? देखो फर्स्ट सर्विस जिसमें मेरी लेबर तो थी फ्री, वो तो होगी थी मेरी 5-1 हज़ार के अराउंड। अभी मैंने मैक्स टू मैक्स जो अमाउंट इसमें सर्विसिंग के लिए दिए हैं वो मेरे 8,000 से 9,000 के बीच में है, मतलब मैंने अभी तक 10,000 से ऊपर का कोई अमाउंट नहीं दिया, जो लोग कहते हैं कि फोर्ड की महंगी है या कुछ और में हो जाती है इसकी भी। जी जी जी, और लोग कहते हैं ना जैसे फॉर्च्यूनर के पार्ट्स सस्ते आते हैं इनके महंगे आते हैं, मैंने पूरा कंपेयर किया है, पार्ट्स के प्राइसों में कोई फर्क नहीं, बल्कि इसके तौर पर सस्ते मिलेंगे, अब महंगे हो तो पता नहीं। हाँ बिल्कुल, मैंने रेट उनकी लिस्ट देखी है मैंने, तो 1-2 रुपए कम ही मिलेगा, बराबर ही रखते हैं ये लोग क्योंकि अब चलानी है इन्हें। और ये 9,000 जो नंबर है कितने का मिलता है? ये तो जी देखो पुराना नंबर, हमारी चॉइस थी कि 9,000 ही लेना, तो ये पुराना निकलवाया हमने सीरीज में, हमें उस टाइम तो मिला नहीं, तो ये 50,000 रुपए का नंबर मिला था। 4,000 ड्रैग रेस भी करके देखिए कि 3.2 और 2 लीटर में क्या फर्क है, तो 3.2 तो बहुत ही आगे भागती है, और अगर आपको चाहिए स्पीड तो मैं आपको ये गाड़ी प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि ये 2 लीटर है, ये एक नॉर्मल बंदे के लिए ठीक है जिसे डेली कम्यूटिंग और एक एसयूवी गाड़ी चाहिए, अगर आपको स्पीड ही पसंद है तो दूसरी गाड़ी फिर आप। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू। यदि मैं वीडियो देखने आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।